बोलो ना, पूछो बात, कुछ चलाओ। एक तो संकल्प हुए है, एक फूलनो हुए। हाँ, फूलनो तो बांधे को संकल्प बांधने वाले। हाँ, तो दोनों लगता तो एक शिकल का ही है ना, एक नहीं है। फूलना होती है ना, वो तो फूलना आए मिट जाती है, संकल्प मिटता नहीं है। माँ कोई बात याद आई तो ये बात भूल गए, तो जो मन में जो याद आ जाए उसका नाम पूर्णा है। और अमुक काम करना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है, ऐसा विचार होता है, वो संकल्प होता है। जिस संकल्प में सत्ता होती है, आसक्ति होती है, आग्रह होता है, जो करना ही हमारे पास आग्रह होता है, उसकी सत्ता होती है, आसक्ति होती है, वो संकल्प होता है। और ऐसी कोई बात याद आ गई और छूट गई, ऐसे देखा, कुछ देख लिया फिर छूट गया। और कोई विशेष देखो तो विशेष दिन कर देखते हैं तो देखना वो और है, तो वो देखना है, दृष्टि जान देखे तो उसका संस्कार पड़ेगा। देखने का संस्कार नहीं पड़ता, हम रस जाते कहीं देखते हैं, कहीं पत्थर कहीं उसे देखते हैं, याद नहीं आता। देखो ऐसे मन की फूलना हो जाती है, वो ठहरती नहीं, आप मिट जाती, आप ही उठती आप ही मिटती। और संकल्प होता है उसके साथ, वो स्वयं लग जाता है ना, मेरे को ये करना है, मेरी ये चाहिए, ऐसा काम है, वो संकल्प होता है। संकल्प भगवान कामान, संकल्प से कामना पैदा होती, पूर्ण से कामना नहीं होती। संकल्प भगवान कामान, सर्वान अस्तित्व, इच्छा होती है ऐसे करना है, ऐसा जाना है, जाना है, मिलना है, कुछ काम करना है, वो पूर्ण होती नहीं, संकल्प होता। हाँ हाँ, फूलना से होता है, अपने फूलना के साथ में देखो एक निर्लिप्तता होती है, एक लिप्तता होती है। तो फूलना में निर्लिप्तता रहती है, संकल्प में लिप्तता होती है, चिपक जाता है। तो जिसके साथ लेप हो जाता है वो बंधन गाढ़ हो जाती है। संसार कई बार याद आ गई, कहीं हम बात करते हैं, कहीं उसको मिलते हैं, परंतु एक मित्रता हो जाए, बैर हो जाए किसी से, तो वो चिपक जाएगा, बैर हो जाएगा, वो बन जाएगा, आसक्ति हो जाएगी तो बन जाएगा। और ये मिल गए चलते रहे, मिले में कई आदमी मिले कहीं चले गए, तो वो भी कोई बंधन नहीं होता। तो आप होना हुई देखने में फूलना है, देखने में संकल्प भी है, सुनने में फूलना भी है, सुनने में संकल्प भी है, ऐसे मन में केवल फूलना भी होती है, संकल्प भी होता है। ये बात है, फूलना भी पहली बात देखी है, सुनी है, उसकी याद आती है, याद है, सिर्फ कोई नहीं उसको, तो वो तो होते थे चलते रहते, वो बाधक नहीं होते। राम नाम से क्या होता है, पापी मिट जाते हैं क्या? बिल्कुल चल जाते हैं। मैं अबार फालतू है, अबार तो फूलना की संकल्प की बात करता हूँ, मत छेड़ो, कोई से भी ठीक नहीं होगा। तो भाई उसको संकल्प भी मिटाना है, तो जिसमें परतंत्र होता है वो मानने वाली नहीं होती। संसार में अपने बिना किए कई पाप और कई पुण्य हो रहे हैं, हमारे कोई लागू नहीं होता। और जिसके साथ हम लग जाते हैं कैसा करना चाहिए, ठीक किया, बहुत ठीक है, तो बस चिपक जाए अपने, बिल्कुल ठीक बात है। तो भोना मिटाने की जरूरत नहीं है,
जितनी संकल्प में चलेंगे और संकल्प भाव संकल्प भाव सब नहीं मिटेगा, अगर पूर्ण तो आप सब मिट जाएगी, चलेगी नहीं, पूर्ण टिकती नहीं चली। एक हम करते हैं और एक होता है, तो होता है करते इतना फर्क है उसमें, पूर्ण होती है संकल्प करते हैं, करते तो साथ में लग जाता है, संकल्प में करते तो लगता है, सत्ता होती है, आग्रह होता है, लेप होता है, पूर्णांग न आग्रह होता है, न लेप होता है, न कर्तृत्व होता है, न उसकी फल की इच्छा होती है। संकल्प और कामना, संकल्प से तो कामना प्रजा होती है, पूर्ण मात्र से कामना नहीं होती, याद आगी चलेगी, देख रही चलेगी। और बोलो, नौका भगवान नाम है, भगवत चिंतन है, सत्संग है, सत्शास्त्र है, सब नियत ठीक बनाओ भाई, ये तो आपका दिन नहीं है, दूसरा दिन नहीं है, अपनी नियत ठीक बनाना अपने ही अधीन है, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, न ईश्वर करता है, न कोई महात्मा करते हैं, न गुरु करते हैं। नियति नौका हो तो नियत अच्छी हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन पूछ मत छेड़ो, आप कृपा करो, फूलना और संकल्प बात छेड़ो, नियत खराब हो संकल्प खराब है, वो संकल्प में गया अपना है, फूलना में नहीं रहा। नियत खास चीज है, मनुष्य की इज्जत समझो तो नियत ही इज्जत है, ऐसा विचार है, वो मनुष्य की इज्जत वही है, मनुष्य का स्वरूप वही है, नियत जैसी नियत साफ हो जाए तो हथुआ भी से मार लो कारना हंसी मार कर नहीं मारता है, प्रक्रिया होती रहेगी, होता है करना है, होना है करना है, हम भी विवाद कर देते हैं एकदम समझ नहीं लगते, दुनिया में घना ही पाप हो गए, घना ही पुण्य हो गए, बड़ी क्या मतलब उसने, अपने को पाप लगते ही नहीं, अपने उसके साथ हो जाते हैं कि ठीक हुआ है तो बेठीक हुआ, बस उसे हो जाएगा, उसमें कर्तृत्व होता है, भौतिक होता है, आसक्ति होती है, सत्ता होती है, आग्रह होता है, उसका लेप होता है, संकल्प में थोड़ा भी ये भी होते, थोड़ा टिकती भी नहीं आई चलेगी, आगे चलेगी, देखो संकल्प दृढ़ होता तो नींद आती नहीं, फूलना से फूलना से ही नींद आती, फूलना बिना नींद आती नहीं, ध्यान दे इस बात पर, मानो संकल्प की तरह में होगा चिंता लग जाएगी तो नींद नहीं आएगी, और फूलना है फूलना तो नींद नींद आती तो फूलना होकर के जाती है नींद, नहीं कह रहे हो आप, सत्संग सुनते हो सत्संग होते नींद आ गई तो नींद सुनना बंद करके और कोई कुछ बात याद आती है, किसी नींद आती है नहीं कराते हो, कोई दूसरी फूलना होती तो नींद आती है, यदि फूलना नहीं हो तो नींद की ताकत आ जाए, सत्संग सुनते नींद आती ही नहीं, सत्संग जो सुनना छूट जाता है दूसरी को फूलना हो जाती है, एक दो फूलना हुई नींद आई, फूलना के बाद नींद आ जाती है, संकल्प आ गया जोरदार तो नींद उड़ जाती है, ये काम करना है वहां जाना है उससे मिला दे बैठे दस होती है उठो 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 अच्छे टूट जाता, सोने को नहीं फूलना संकल्प होने के बाद संकल्प का काम न पहले होती है, आप पूछो जो स्पष्ट हो गए विषय, देख ले सुनने से संस्कार पड़े हैं उनसे पूर्ण देव संस्कार उनसे पूर्ण हो जाती है और मिल जाती है बेचारी,
उसमें अपना लाग नहीं होती, अपने लागू नहीं होती, अपने साथ में संस्पर्श नहीं होता उसका। आई सही हवा आई है निकल। संकल्प करना ना करना अपना अधीन की बात है। हाँ इसी में देखो, सावधानी ही साधना है, सावधान न रहना ही असाधन है। सावधान रहना हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए तू धंधा, दिल में जागृत रहिए, दिल में जागते रहना। मन कोई संकल्प नहीं करना, किसी जगह संकल्प करना है वो बंधन है। भगवत संबंधी बात होती है वो संकल्प नहीं होता है, वो तो जिज्ञासा होती है, वो तो प्रेम पिपासा होती है, वो संकल्प नहीं होता। संसार की बातें आती है उसमें काम करना वो संकल्प होता है। और याद आने में आ जाए कोई, आ जाए भगवत संबंध आ जाए, कोई सुनी हुई बात आ जाए, बैठे देखी हुई बात आ जाए, आ जाए फोन आएगी कभी गई पुनः में निर्लिप्तता रहती है, संकल्प में लिप्तता रहती है। बोलो क्या नहीं उठना, उठने का संकल्प नहीं कहा मैंने, उठना संकल्प नहीं है, नींद खुलना संकल्प नहीं है। ये तो नींद की खुराक पूरी हो जाती है तब जाग जाता है आदमी, अब अभी से कोई जगा नहीं तो जाग जाता है। जागने पर संकल्प नहीं होते हैं। जागने पर तो अगर ध्यान दे तो बहुत लाभ होता है, जाग करके चुपचाप बैठ जाओ कुछ याद न करे तो उसमें मन लग जाता है, ध्यान लग जाता है। ध्यान कोई लगाना चाहे तो उससे समय लगाओ, कोई याद न करो कुछ भी याद न करो, तो न संकल्प कोई होगा तो आपको ध्यान नहीं लगने देगा और नहीं तो ध्यान लग जाएगा। उठना संकल्प नहीं है, नींद खुल जाए तो सावचेत होना, सावधान होना। हाँ सत्संग माना है साधन की लगन है, लगन भगवत संबंधी संकल्प नहीं होते हैं। नाशवान का जो विषय संकल्प होता है तो सत्संग में जाते हैं वो साधन है, पारमार्थिक उन्नति की इच्छा है, वो जिज्ञासा है। जिज्ञासा मैंने संकल्प नहीं कहा, जिज्ञासा है वो तो उद्धार करने वाली है, परमात्मा तो ले जाने वाली है। संसार की आसक्ति है वो आसक्ति से होती है, कामना वो होती है, वो होता है संकल्प। और जो ऐसी याद आती है वो संकल्प नहीं होता, वो ना होती। परमात्मा सुधी भक्ति सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाना है नींद खुल गई तो सत्संग में, तो वो तो जिज्ञासा अंतर्गत आ गई, पारमार्थ उन्नति आ गई, वो दुष्ट नहीं है, वो लाभदायक है, वो लगन हो गई। उस लगन से साधन होगा, सत्संग होगी, स्वाध्याय होगा, परमात्मा की तरफ वृत्ति लगेगी और सहायक होगी, अध्यात्म उन्नति में सहायता करेगी, जिज्ञासा होती हो। अथवा भगवान प्रेम की इच्छा होती है, भगवान के दर्शनों की इच्छा होती है, ऐसे सत्संग की इच्छा होती है। ये इच्छा है, ये कामना कामना नहीं है, इच्छा इच्छा ही है, परमाणु के लिए जाने वाली है। नाशवान की जो इच्छा है, नाशवान में जो आग्रह है, ये खास बंधन है।
नाशवान का सहारा है, नाशवान की कामना है, नाशवान का विश्वास है, नाशवान का भरोसा है, ये सब बंधन है। नाशवान उसका कोई सहारा रहा तो मरेगा ही, और क्या होगा। पूर्णा के ध्यान लग जाएगा, संकल्प भी छोड़ो, जो पूर्णा भी छोड़ ली जाए तो सुगुण तो छूट जाती है। संकल्प छूटना कठिन होता है और पूर्णा छूटती सुगुण होती है। पूर्णा छोड़ो, आज भी छोड़ो, ऊपर छोड़ो तो मैं कहता हूँ संकल्प भी कोई हो जाए और भजन पाठ करना है तो उसको छोड़ दो। अभी कोई काम नहीं, अभी काम करना का नहीं, अभी नहीं, अभी तो भजन ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, अभी जो साधन करेंगे, जप करेंगे, अभी नहीं, कोई काम की मन में वो तो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना ना अभी नहीं, नहीं छूट जाएगी, संगम भी छूट जाएगा। तो ज्यादा ही समय तंग कर दो, वही करो, बस छोड़ो भजन मन में, संगम तंग करना है करें क्या। विचार के द्वारा संकल्प मिटा देना बढ़िया है, परंतु कोई संकल्प ऐसा जो विचार के द्वारा मिटता नहीं, वो मिटता नहीं है तभी गृहस्थ मिल जाते हैं, मिट जाए तो गृहस्थ की जरूरत नहीं। ब्रह्म श्री आश्रम सही चलो, मुक्ति तरफ, कल्याण की तरफ, परंतु भोगे था भीतर में ऐसी हुआ मिटती नहीं, बार बार तंग करती है, तो भोग कर निकालो, तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भोग लो, बस आज्ञा की सुबह अपने भोगना नहीं है, आज्ञा पालन कर ले तो मिट जाएगा। और बोलो, आपने महाराज ये बताया कि संकल्प और विकल्प का आप साथ न दो तो कोई असर नहीं करेगा, तो समझ तो हो जाएगा, तो खोटी तो बनेगी। अरे भाई रास्ते चलते हाँ तो कहीं ठहरोगे तो उतना समय तो बर्बाद होगा ही, ऐसे संकल्प भी होते हैं पर समय तो बर्बाद होगा ही, उतना नुकसान तो होगा ही। तो मैं चिपकेगा नहीं, बंधेगा नहीं, तो बंधेगा नहीं, पर परमात्मा की तरफ चलता था उसमें तो बदल लगी, यही दूसरी बात याद आ गई, दूसरी बात याद करने लगे, संकल्प करने लग गए, समय तो बर्बाद होता ही, और समय तो खर्च होता ही। इस वास्ते कोई याद नहीं करे, आत्मसंस को मना के पास न किंचन भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, उस परमात्मा स्वरूप को ही देगा। अचिंतन आ जाए उसको उपेक्षा करो, विरोध मत करो, विरोध करो तो फूर्णा हो जाए, वो संकल्प रूप हो जाएगा। फूर्णा का भी विरोध करोगे तो विरोध रूपी संकल्प हो जाएगा, उपेक्षा हो जाती है, बिल्कुल अच्छा बंदा कुछ नहीं तो छोड़ जाएगा। यही एक बाधा है, जो मन को एकाग्र करना चाहते हैं उनकी शिकायत होती है, उनमें यही बाधा है, उसको मिटाना है। तो एक तो होता है संकल्प, एक उसको मिटाना है, मिटाना आग्रह है, ये भी एक संकल्प है। तो संकल्प से संकल्प नहीं मिटता, और संकल्प मिटाने के संकल्प करते हैं, उम्र बीत जाती है, मन एकाग्र नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता, पूर्णागत नहीं होता। पहले वाला संकल्प तंग कर रहा है, फिर मिटाने का संकल्प और कर लो तो नया संकल्प और पैदा हो जाएगा, मिटा सही मन। बरसों तक अभ्यास करने वाले का भी मन एकाग्र नहीं होता, बड़ी शिकायत है। और कैसे वो मन को एकाग्र करने के लिए जोर लगाता है, जोर लगाता है तो संकल्प हो जाता है, एक नया संकल्प पैदा हो जाएगा। भगवान जब चलो
भगवान का स्मरण न छूटे, भगवान का जप न छूटे, भगवान का चिंतन न छूटे, ये है। और संकल्प से मिटा दें ये ध्यान में सहायता हो सकती है, परंतु संकल्प नया हो जाएगा, आग्रह नहीं चाहिए, आग्रह संकल्प मिटाना ही नहीं चाहिए, संकल्प रखना ही नहीं चाहिए, संकल्प से छोड़ देना चाहिए। संकल्प प्रवान कामान सनी ऊपर हमें ज्यादा दिख रही क्या सुनते चौबीस पच्चीस को जाएगा परमात्मा में से दोनों बस पूर्णा आगे तुम परवाणित करो, पूर्णा के साथ विरोध मत करो, विरोध करो तो संकल्प हो जाएगा, आसक्ति करोगे संकल्प हो जाएगा, उसको बढ़िया समझोगे संकल्प हो जाएगा, घटिया समझोगे संकल्प हो जाएगा, उपेक्षा करो तो नहीं होगा, उपराम हो जाएगा, मतलब मतलब रह जाए नहीं अपने क्या मतलब है, कोई अपना संबंध नहीं, बैराग्य बैराग्य है, ऊपर से ही बैराग्य होता है, बैराग्य से ऊंची होती है, ऊपर से ऊपर आती है ना, वह बैराग्य से ऊंची है, हाँ पर बैराग्य हो जाएगा, ऊपर से अस्तित्व पर बैराग्य हो जाएगा, उपरति है उसमें उनसे उदासीन होना है। देखो बैराग्य है उसमें दोष दृष्टि होती है, त्यागने की इच्छा होती है, और उसमें अगर जो आसक्ति होती है ना तो ब्रह्म लोग तक के भोगों की आसक्ति नहीं होती है, वो बैराग्य होता है, और ऊपर की वो है जो याद नहीं आती। जैसे देखो कि सुखदेव जी महाराज जन्मते ही निकल गए और चल दिए बनवास में, वे चले गए पीछे पीछे व्यास जी महाराज के पुत्र एक जन्म गया था, वो भी दे दू पुत्र पुत्र करते हुए व्यास जी महाराज गए पीछे, तो अगर ये जड़ के किनारे स्नान कर रही थी, वो स्नान कर रही थी तो वो पास में होकर सुखदेव निकले, तो वह जैसी करती थी वैसे ही व्यास जी गए चाचे कपड़े धारण किए, व्यास जी ने कहा कि वो जवान जैसा लड़का गया तब तो तूने लज्जा की नहीं, मैं तो तुम्हारे बाप दादा के समान हूँ, मेरी तो छोरियां हो तुम, तो मेरे से शर्म क्यों की। महाराज उसकी याद ही है कि वृक्ष है कि स्त्रियां है कि पशु है, पता ही नहीं उनको, उपरती बिल्कुल नहीं, चाहिए वो उनको नहीं, आप देखो तो मेरे कुछ निर्णय दोगे, मेरे को कपड़े नहीं डाले रन थी, आप अपमान मानोगे अपना, तो आपको फूलना है बैराग तो आपके भी है बैठे के भी है, पर बैराग बैराग आगे उपरती है उनकी, आपकी उपरती नहीं है उसमें, इस बात से हम कपड़ा पहनती है आपका आदर करने के लिए, कुछ अगर सोनी के मिलने से कपड़े नहीं पहनती, तो बैराग में तो कमी नहीं है पर ऊपर से नहीं है, और उनके बैराग है तो ऊपर से ही है, राग भी शरीर में घुसी आ जाएगी, कहीं से बात हुई राग भी नहीं हो तो घुसी हो जाएगी, उसमें भी फूलना हो जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर दे देती घरा गिरा ऊपर से बढ़ना अलग अलग आता है, पंचमसी में बोध बैराग ऊपर से तीनों को चर्चा हेतु बताया, हेतु बताया, स्वरूप बताया, और उसका परिणाम बताया और उसका अवधि बताई है, बैराग्य उस दोष के कारण बताया, और संसार के भोगों में अरुचि स्वरूप बताया है, और निम्न लोग श्रेणी कार उसका अवधि बताई है, और बैराग्य उपरति में समुद्रम आदि के हेतु है, और उपरति उपरति में वृत्ति न होना उपरती है,
और अभी क्या है तुम्हारे सुक्तिवत विष्णु से सीमा वैद उपरमसी की आस आखिरी हद है जैसे सुसुप्ति में कुछ याद नहीं रहे ऐसे उपरति में कोई याद ही नहीं आवे ये आखिरी बुद्धि है। सुप्तिवत विष्णु से सीमा वैद उपरमसी उपराम की सुप्तिवत सुसुप्ति की तरह कुछ याद वैराग्य होता है तब तो पदार्थों में पदार्थों ज्ञान होता है आसक्ति राग मिटता है और उपलब्धि में राग और वैराग्य दोनों मिटते हैं। वैराग्य है ना एक मार्मिक बात बताऊं है वैराग्य राग के ऊपर चलता है राग के अधीन है वैराग्य राग स्वरूप था मिटने पर वैराग्य मिट जाते हैं। लकड़ी है उसको जलाओ तो लकड़ी रहती है तब तक वो जलती है ज्वाला निकलती है लकड़ी बना मिटते ही ज्वाला नहीं रहती अंगार रहता है अंगार रहता है ज्वाला नहीं रहती तो ज्वाला है वैराग्य तो वह ज्वाला लकड़ी के ऊपर आश्रित है लकड़ी में जब तक लकड़ी बना है तब तक ज्वाला है लकड़ी बना सर्वथा मिटते ही ज्वाला मिट जाती है। ऐसे राग है तब तक वैराग्य होता है वैराग्य आदर नहीं होता है और राग सर्वथा मिटने पर दया खुद शांत हो जाता है फिर दया को कोई मतलब नहीं है ये उल्टी बात है राग के अधीन है वैराग्य राग में वैराग्य को वैराग्य मिट जाता है पूर्णता राग में पूर्णता क्या भाई राग है नहीं अपूर्णता है राग मिटना राग में रहे राग मेरे पूरा हो गया वैराग पूरा हो गया राग सर्वथा मिट गया वैराग पूरा वैराग होने पर पूर्ण हो सकती है संकल्प नहीं हो सकते राग मिटने पर संकल्प नहीं होते संकल्प मिट जाते संकल्प पैदा होते हैं बिकॉज वो राग है राग है संकल्प होते हैं उपलब्धि ठीक हो जाए ना यहाँ पर थोड़ी बहुत उपलब्धि सबकी होती है। देखो ये वैराग्य है उपलब्धि है ये ऐसे गुण हैं सब में होते हैं परंतु साधक होते हैं वो इनको जान लेते हैं पहचान लेते हैं पकड़ लेते हैं लाभ ले लेते हैं और बिना साधना के इनकी पता ही नहीं लगता वो जाते चले जाते हैं कोई लाभ नहीं। जैसे संतों का संग करते हैं तो संतों गाड़ी में मिल गए कोई परंतु कोई लाभ नहीं होता समझता है वो लाभ ले लेता ऐसे उपलब्धि आदि गएगा होते रहते जीवन में आते हैं परंतु लाभ नहीं लेता सावधान चल रहा सावधान ही साधना है साधन बन जाता नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 18 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बिना सद्वारा पर हुआ राम।